रहमान याकूब साहब, हम बात कर रहे हैं वजीर आजम साहब की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, हम बात करते हैं वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द के लोगों की भी। जरा जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके अंदर से एक बड़ा वाज नाम असद उमर सामने आता है। असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाले थे और उस टाइम पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो उनको वजीर आजम साहब को हटाना पड़ गया। अब वो एनसीओसी के सरबराह हैं और कोरोना वायरस के हवाले से तमाम के तमाम जो डिसीजंस हैं वो एनसीओसी के जरिए आ रहे हैं। कल उन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसी बात कर डाली जो मेरे नज़र में चलाना भी बड़ा ज़रूरी है और दिखाना भी बड़ा ज़रूरी है। वो क्या कह रहे थे ज़रा वो मुलाहिज़ा कर लीजिए। एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना, इंपीरियल ने सड़ी छाप दी, अब वो सब जो है सुबह से लेकर शाम तक। सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट, वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडियोमोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है, कंजर्वेटिव रखे करते हैं। उस पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं कि इमरान खान ने पिछले 3 महीने क्या किया है? 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। तो ये बात असद उमर साहब ने की है पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होके कल। ये बात इसलिए करना बहुत जरूरी है इमरान याकूब साहब के, देखिए किसी ने मना नहीं किया कि आप होम ग्रोन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को बढ़ावा ना दें, बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अशद ज़रूरत है इस टाइम पर। लेकिन इंपीरियल कॉलेज का एक मकाम है रिसर्च के अतबार से भी, एजुकेशन के अतबार से भी, और उनके जो जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उसके अतबार से भी। उसकी रिसर्च को टका टोकरी कर देना ये कह के हम गोरों की गुलामी नहीं करेंगे इसलिए टू हेल्प विद दिस रिसर्च, क्या ये सही है इमरान याकूब साहब? देखे ना, असद उमर साहब ने इसको रिसर्च को रद्द किया है। इंपीरियल कॉलेज क्या है? इंपीरियल कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी रिसर्च को पूरी दुनिया में इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, उसको आप रद्द नहीं कर सकते। अब असद उमर साहब ये वही मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने ऑन कैमरा ये कहा था कि ये क्या है कोरोना, इससे ज्यादा लोग तो ट्रैफिक हादसात में मर जाते हैं। यानी उनकी आप इस इशू से जो है सिंसियरिटी वो इस तरह से देख लें। अब असद उमर साहब खुद 3 दिन पहले ये फरमा चुके हैं कि यहाँ इस मुल्क में 10 से 12 लाख पेशेंट हो सकते हैं, और वजीर आजम को, हमारे मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब को पहले दिन से सूरत हाल का अंदाजा था कि ये सूरत हाल इतनी खराब हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि उस दिन भी असद उमर साहब को अगर ये फिगर बताते वक्त ये भी साथ बताना चाहिए था कि जनाब सूरत हाल इतनी खराब हो सकती है लेकिन आप परेशान ना हो, हुकूमत ने ये इकदाम किए। उन्होंने बजाय हुकूमत के इकदाम बताने के उन्होंने भी आवाम को सिर्फ डराने की बात की। अब इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च को शायद इसलिए रद्द कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि अगर हमने इसको सच मान लिया तो फिर लोग हमसे हमारा गिरबान पकड़ के ये पूछेंगे कि जनाब आप रिसर्च को तो मान रहे हैं तो आपने इससे निपटने के लिए इंतजाम क्या किए? आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया या आप बाकी उनको बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं? तो असद उमर साहब अपनी और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसका उन्हें बखूबी इलम है, इसलिए शायद वो ये कर रहे हैं कि अवाम के सवाल से बचने के लिए उन्होंने कहा इसको ही रद्द कर दें कि ये कोई चीज ही नहीं है। राइट अच्छा इमरान याकूब साहब, आज जो नेशनल असेंबली का सेशन हुआ उसके अंदर तकारीर हमारे सामने है, एक बार फिर कुछ एक दूसरे के ऊपर तानाजनी वाला मामला भी चलता रहा। Do you think कि हम कोरोना से निबरदाजमा हो पाएंगे अगर ओपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ बैठने की बजाय एक दूसरे के ऊपर उंगलियां जो है वो उठाती रहेगी और एक दूसरे को तानाजनी का निशाना बनाती रहेगी? अनेका आप एक बात याद रखें, वजीर आजम इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो लीड फ्रॉम फ्रंट करते, जब तक वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं आएंगे ये चीजें ठीक नहीं होंगी। अब जब वो कप्तान थे तो क्या करते थे, वो खुद लीड करते थे फ्रंट पे जाके। अब उन्होंने क्या किया, जब शहबाज शरीफ वापिस आए उन्होंने कहा
कि मैं कोरोना के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ, उनका मजाक उड़ाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप मेरे वजीर आजम हैं, मैं सारे इख्तलाफात भूल रहा हूँ, आप हमारे पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, उनका मजाक उड़ाया गया। अपोजिशन अगरचे इस काम में कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत ने ही इकदाम करने हैं, लेकिन आप अपोजिशन से मिल के उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने वहां पे जो काम किया आप उनसे मिलके करते, वो काम मजीद बेहतर हो सकता था। पंजाब में आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने डेंगू से जो इकदाम किए थे, डेंगू के खात्मे के लिए आप उनके उस एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हैं। सबसे अहम बात निका ये कि आप उनको एक्सपोज कर सकते थे। आप कहते हैं कि देखें जनाब हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन ये अपोजिशन है ही गंदी, ये अपोजिशन है ही घटिया, ये अपोजिशन है ही मुनाफिक, ये हमारी बात मानती है, सिर्फ मीडिया पे कहते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए नहीं चल सकते। राइट इमरान याकूब साहब।